हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। और ये देखिए, आकाश की मम्मी अभी खेत में काम कर रही थी, गुस्से में गई थी, तबीयत खराब है। फिर भी चेहरा देख सकते हैं आप, तो मैं कैसे कैसे पकड़ के लाया हूँ और खाना दिया हूँ, निकाली अपने हाथ से, क्योंकि आज तक मैं निकाल कर दिया नहीं, वरना निकाल के खाता हूँ। एक खुद देती है, फिर भी तबीयत खराब है थोड़ा बहुत, देख रहे हैं, बहुत बुरा। तो अभी मैं इनको खाना वाना खिला के मनाया हूँ, गुस्से हो गई है। कल कल जन्माष्टमी था, थोड़ा दोस्तों के साथ चला गया था मैं इधर कुछ ऐसे एंजॉय करने, तो नाराज़ हो गई थी कि इतना लेट हुआ, बताया नहीं। तो अब देखिए चेहरा, देखिए कैसे बूढ़ी जैसे हो गई। तभी इनको मैं दवा दूंगा, अभी दो चार खुराक दवा दिया है डॉक्टर ने। और चक्कर ये है ना, ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो मलेरिया का ना लक्षण हो। अभी मैं गाँव में गया था तो पूछा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो बोला पपीता का पत्ता पीस के पिलाइए, उससे कुछ असर होता है। तो वो भी मैं लाया हूँ, अभी पीस के उसको भी दूंगा, लेकिन कड़वा लगता है, देखता हूँ खा पाते हैं कि खाएंगे जी। हाँ, खाना पड़ेगा, बुजुर्गों का दवा है बताया हुआ, जड़ी बूटी सही है। चलिए, ये जो काम अधूरा छोड़ दी थी वो मैं करूँगा, अभी दिखाऊँगा आपको। और बहुत सारा कपड़ा भी धोना है बाकी है, क्योंकि आज संडे है, आज तो पढ़ने नहीं जाएंगे बच्चे, कल जाएंगे तो फिर कपड़ा ढूंढेंगे। एक ही ड्रेस है, नया वाला पुराना वाला भी बहुत दिक्कत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग कौन सी काम में लगे हुए हैं, खेत की सफाई। आकाश की मम्मी देखिए साफ कर रही, क्योंकि उनको ज़्यादा डर लगता है ना, सांप उप निकल कर रहता है, इसी वजह से इतना साफ कर दिए हैं। मुर्गी भी साथ दे रही है ना जी, चलो खाना खा लो, उसके बाद फिर लगेंगे दोनों आदमी। चलिए, आज बहुत सारा काम है, इधर सोनू भी लगा हुआ है। और इधर आकाश भी काट दिए, देखिए कितना सारा जंगल हो गया है खेत में। अगर बच्चे खेलते रहते हैं ना, ज़्यादा इसलिए साफ रखा था। सकते हैं आकाश की मम्मी छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उनका तबीयत सही नहीं है, तो मैं लग गया उसको तो पूरा साफ करूंगा, क्योंकि इधर बच्चे उधर खेलते रहते हैं ना, इधर हम पूरा नहाएंगे। कौन कौन सा वो है, दाल से कौन कौन पूरा मिट्टी खतरा जाएगा, कहीं बारिश वर्षा आएगा तो पूरा धरती, इधर जो रोड है ना सरकारी, तो दिक्कत हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, मुर्गी भी आ चुकी है सब, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहीं पे लोग आ जाते हैं। देखिए ये केले चढ़ते नहीं, क्योंकि एक बार कुत्ता होता आके झपेट देता है ना, हम लोग कोई काम करते तभी चढ़ते नहीं, क्योंकि हम लोग साथ ही घर में रह जाते, इसीलिए बड़ी नहीं हो रही, कम से कम डेढ़ दो महीना हो गया। चलिए अभी बहुत सारा है, देखते हैं कब तक होता है। नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं, क्योंकि विजय पापा जैसे देखते हैं वैसे हैं नहीं, बहुत धोखा करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ताकि जी परेशान, ये तो दिख ही रहा है कि मैं परेशान कर रहा हूँ, सुबह से लगी थी, ये देखो आपसे ज़्यादा मैंने साफ किया। आप लोग बताना, ये कल ऐसी था जन्माष्टमी कि परसों? कल प्रोग्राम हुआ था ना, परसों था, लेकिन प्रोग्राम हम लोग लेट हो गया था। हाँ, लेट हो गया, कल हुआ नहीं था। विश्वास जा पूछ लो, मिथुन से पूछ लो, कमेंट में बता देगा कि कल प्रोग्राम हुआ था कि नहीं, झूठ उसने बताया। और वो छोड़िए, चलिए वो जो हो गया उसको भूलिए, अभी ये देखिए आपसे ज़्यादा मेहनत किया कि नहीं किया। आया का सब खाना खिलाया, दवाई खिलाया, अभी एक जड़ी लाया हूँ वो तो पिलाऊंगा जरूर। और दोस्तों वो जो जड़ी है पपीता का पत्ता, बहुत जैसे ठंड लग के अगर बुखार आता है तो बहुत अच्छा वो है इलाज, क्योंकि मैं अपने पे आजमाया था, एक डेढ़ महीना पिया था ना जी दिल्ली में, फिर दोबारा ऊपर वाला कृपा से कभी आया नहीं। ये सब उठा कर तुम निकालना मत, ये सब उठा कर वहाँ पर रख, बोट करो तीन भाई। भगवान ना करे कि किसी को हो, अगर हो तो उसको जरूर इस्तेमाल करिए, वो जोर शोर से एकदम दूर कर देता है।
क्योंकि मेरे को आज तक वैसा अच्छर वैसा हुआ नहीं, क्योंकि बाप रे इतना दिक्कत होता था इतने गर्मी में ठंड लगना बाप मामूली बस। इसको मैं ले आया हूँ, पपीता का पत्ता भी पीसूँगा, इनको पिलाऊँगा जबरदस्ती, कड़वा बहुत लगता है। तो चलिए खाना खा लिया तो नहीं, अब मैं बहुत थक गया हूँ, कल शाम को करूँगा ठीक है। तो चलते हैं पहले आपको ये तू पकड़, मैं उठा, इसमें कुछ होगा चुप हो जाएगा हाथ, नाजुक हाथ होता है ना बच्चों का, सब घास उसके खेलेंगे। चलो तो उधर खाते हैं, चलो जाओ ना प्लस है उसमें ना। आज संडे एंजॉय कर लो, कल से टाइम से पढ़ने जाना है आप लोग, जितना खेलना है आज खेल लो, थोड़ा देर का सा जाओ का जाओ। ये सब शाम को बहुत तेज से हवा भी चलने लगा, इतना साफ हो गया ना बहुत है, इधर बच्चे सब आते रहते हैं, अब ये बच गया इधर वाला देखो। और ये वाला कौन सी पेड़ है, इसको नहीं काटेंगे, ये बड़ा बड़ा होता है कुछ जो लकड़ी, ये वाला हाँ लकड़ी के काम आते हैं, जो मोटा मोटा हो जाता है सब, इसको नहीं काटेंगे। चलिए जी जल्दी, नहीं हटा तो ऐसे करते करते दुनिया भर टाइम हो जाएगा, उसको जल्दी पीजिए ना थोड़ा, खाना खा नहीं ना, थोड़ा सा तो पीजिए नहीं होगा, सुबह खाने के खाई थी कुछ नहीं होगा, पीकर तुरंत पानी पी लीजिए कुछ नहीं होगा, सही हो जाएगा। ये देखिए आपका मुर्गी भी साफ कर रही है, देखा नहीं पियेंगे नहीं, क्योंकि खाना खा चुकी है, उसको भी जो पिलाया था दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो बीज किन के लेकर आई हूँ वो लगाई थी यहीं पर, उधर लौकी है जो लोग आइया वो जो मांग के लाई हूँ वो है, आई जो खर्च ये खरीद के लाई हूँ, तो जो अभी जाम रहा है घेवड़ा और लौकी दोनों बीज लेकर झेमड़ा लगाएंगे ना इधर, देख सकते हैं जैसे हमारा कब तक फरता है जो तो दी है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए झमरा लगाई है, तभी और जो अथी है ना पेड़ पर डाले जो और पेड़ है ना उस पर से थोड़ा काट के डाली, इधर झांकी फिर बांधेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर हम लोग, और देख सकें हम इनके खेती ख़राब है, उतना नसीब भी ख़राब है और खेती भी सही नहीं है, कुछ गाना अच्छा। लगा दीजिए। चलिए दोस्तों एक छोटा सा सॉन्ग सुनाई देते हैं एंड में, बड़ा नीक लागे अपना देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे बड़ा नीक लागे अपना देशवा के माटी, बड़ा नीक लागे नाही कौन भेदभाव हो,
ना ही कौन भेदभाव ना ही कौन जाति, बड़ा निक लागे अपना देशवा के माटी, बड़ा निक लागे। अब ये सॉन्ग आपको अच्छा लगा तो हमारे एक नए चैनल में उसमें जाके देख सकते हैं, और कमेंट में बताइए पूरा अगर सुनना चाहते हैं तो, याद करेंगे। हाँ।